अच्छी लगी। ऑटो का कितना देर चाहेंगे? हाँ ऑटो का कितना देर चाहेंगे? अभी पता नहीं, पर फिल्म बहुत अच्छी है। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? बहुत अच्छा है, सब जन देखो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग की बात कर रहे थे, बहुत अच्छा है। मैं एकदम मस्त है, मस्त फिल्म है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टिंग बेस्ट है एकदम। क्या कहना चाहेंगे मूवी? अच्छा अच्छा। कैसे लगे? नाइस, एकदम सुपर, जबरदस्त। जय महाराष्ट्र। गजब। कहना एक ही चाहता हूँ, आप लोग देखो खुद, और बाला साहब के बहस आप लोग जो नाम खराब कर देना उससे जो उनका नाम रोशन करो। सेकंड पार्ट बनना चाहिए इसका, जरूर बनना चाहिए, 100 बार बनना चाहिए, 100 बार बनना चाहिए, बनेगा पार्ट। एक्सेलेंट, सुपर, एक्सेलेंट, परफेक्ट, वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी ग्रेट मूवी, जबरदस्त। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के लिए? कैसे लगे फिल्म? एक नंबर झकास, एक नंबर भरपूर, एकदम एंजॉयफुल, मस्त मस्त, मजा आ रहा। कैसे लगे? जय महाराष्ट्र। कैसे लगी फिल्म? जीने और जीने का सिखाया गया है, जीने और जीने को सिखाया गया, जरूर जरूर, और आजकल में ही बल जाना चाहिए। फक्त साहेब, फक्त साहेब, ओनली साहेब। अच्छी मूवी, अच्छी अच्छी मूवी, एकदम उत्तम, एक नंबर मूवी। शिवसेना सेकंड पार्ट बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए जरूर, सेकंड पार्ट राज साहब ठाकरे। अच्छा, प्रतीम एकदम मच्छा पीछे, एकदम छोड़ दो, एक नंबर, एक नंबर, मस्त सुपर मूवी, बेस्ट बेस्ट। ऑसम ऑसम, सुपर हिट, बॉम्बे का टाइगर, कड़क, बहुत हार्ड, एक नंबर पिक्चर। जय महाराष्ट्र। टू गुड, जय भवानी, जय शिवाजी। सेकंड पार्ट बनना चाहिए ऑब्वियसली यार। एक नंबर, एक नंबर है, खूप चांगलं मूवी, मराठी माणसाला ताट उभं राहण्याचं बाळासाहेबांनी शिकवलं, सुंदर पिक्चर। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। हा बनना चाहिए ना? यस जरूर बनना चाहिए। 5 पर गुड मूवी, वेरी नाइस मूवी, सुपर सुपर, बहुत नाम था, बहुत आड़, बहुत आड़। क्या ग्रेट, कैसी लगी फिल्म? नवाज की एक्टिंग के बारे में, एक्टिंग वाइज नवाज की फिल्म इज ग्रेट, टू मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सेकंड पार्ट बनना चाहिए 100%। सेकंड पार्ट में किसे देखना चाहेंगे? अच्छा, कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत ही अच्छी थी, हमारे मराठी में भी मैं बोल रहा हूँ, फक्त एक साहब, बाला साहब। सेकंड पार्ट बनना चाहिए? बनना चाहिए, टू बी कंटिन्यू लिखा है तो होना ही चाहिए पार्ट। और नावास? मैं कुरला कोहिनूर प्रीमियर में रहता हूँ, बिल्डिंग नंबर 19, सी विंग मातोश्री संकल्प हमारे बिल्डिंग का नाम है, वहाँ पर मैं 105 पहले माले पर रहता हूँ, कुरला वेस्ट। अच्छा, यहाँ पे आने के लिए किसी ने निमंत्रण दिया था, क्या है निमंत्रण? बाला साहब ठाकरे उसी देश में आए तो वहाँ पर निमंत्रण की बात आती नहीं है, बाला साहब का एज इट इज सही, कोई भी लैंग्वेज में और कोई भी भाषा में, अगर किसी भी एरिया में, किसी भी मोहल्ले में बाला साहब ठाकरे के लिए कहीं बंदी नहीं, तो मेरे लिए कौन सी बंदी रहेगी? मुझे परमिशन रहे नहीं रहे, उद्धव साहब का आशीर्वाद है, संजय राउत जी का आशीर्वाद है, और मैं शिवसैनिक साधारण छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मुझे परमिशन की मुझे लग नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी, कि जो वेश है ये मुझे तो परमिशन की जरूरत हर जगह लगती है, लेकिन ये वेश को कहीं भी नहीं, बाला साहब ठाकरे के वेश में रहेंगे तो कहीं भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, ये बाला साहब ठाकरे का है, तो महाराष्ट्र में घूमने के लिए बाला साहब ठाकरे को जब परमिशन नहीं लगती तो ये वेश की भी उतनी कदर करते लोग, कहीं भी मुझे परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रेलर कैसे लगा आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी? नहीं, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेने का मकसद यही है कि हमारे को बाला साहब के ठाकरे उनको दबके में रहना नहीं चाहते थे, उनको बहुत बहुत कुछ बड़ा करना था, और उसी लिए
संजय राउत जी ने, पानसे जी ने जो मेहनत करके नवाज भाई को ढूंढ के लाए, वो सेकुलर शिवसेना करना है कि हमको सबको लेके चलना है और शिवसेना आगे चल के बड़ा ही कुछ हर जगह लड़ेंगी, पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगी, इसीलिए नवाज भाई को लिए और वो अच्छा ही किए होंगे, यही हम चाहते हैं कि हमारे बाला साहब ठाकरे का जो भी कहीं बायोपिक बाला साहब ठाकरे की बनती है और उनके जैसे ही बननी चाहिए और उतना मेहनत संजय राउत जी ने और अभिजीत पानसे डायरेक्टर हैं हमारे और उसके ऊपर हमारे उद्धव साहब थे, उनका पूरा पूरा ध्यान था, इसीलिए ये बायोपिक बनाई गई और बहुत अच्छी बनी होगी, सब लोगों को देखना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में ये पहली बार बाला साहब ठाकरे का अगर पिक्चर बनता है तो सबको उत्सुकता तो है ही है देखने की और वो सब देखेंगे और पूरे थिएटर में हाउसफुल चलेंगी। जय हिंद जय महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन आप सभी से है मेरा, आदित्य ठाकरे ने जब स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी उस वक्त कहा था कि नवाज भाई हूबहू बाला साहब दिख रहे हैं, इसके बारे में कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों को, खास तौर पर आप क्या बोले जो नवाज सिद्दीकी हूबहू बाला साहब ठाकरे दिख रहे इस तरह का स्टेटमेंट दिया है स्पेशल स्क्रीनिंग में आदित्य ठाकरे? देखो आदित्य ठाकरे उस घराने से है, उनके अगेंस्ट हम बोल नहीं सकते, लेकिन मैंने तो देखा नहीं, मैं देखने के बाद मुझे लगेगा अच्छा तो मैं अच्छा ही बोलूँगा क्योंकि जब उनको पसंद आया तो सबको पसंद आएगा ऐसा नहीं है, फिर भी जो जितने लोग आए वो सब देखेंगे, वो लोग तय करेंगे कि बाला साहब ठाकरे दिखते हैं नहीं दिखते हैं, उन्होंने बराबर किया, उसका रिजल्ट आने वाली पब्लिक देती है, पिक्चर देखने वाले ही पिक्चर अच्छी है तो अच्छे ही बोलते, और मेरे ख्याल से जब देख के लिया है तो नाना खोटा नहीं होता है, नाना खरा ही होता है, चाहे आगे और पीछे दोनों बाजू नाने को सिक्के को रहते हैं, वैसे उसी टाइप का देख के लिया है तो नाना खरा ही होगा और अच्छा ही होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे सर, कोई याद बताएंगे आप मिले थे उनसे कभी? बाला साहब ठाकरे को मैंने अंतिम यात्रा के दिन, मैं रात को 1:30 बजे गया था वहाँ पर, तो दर्शन करने के समय मेरा जो मेरे भाग्य में नहीं था कि उनका दर्शन ले लूँ, फिर भी सवेरे 4 बजे 5 बजे जब निकलेंगे तब तक हम लोग गेट पे खड़े थे और सवेरे जैसा उनको 7 बजे निकलना था तो उनको लेट होने के कारण उनका 10 बजे निकला और मुझे थोड़ा सा खंदा लगाने मिला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मेरे लिए तभी से बाला साहब ठाकरे जी का मेरे पे आशीर्वाद है और ऐसा आशीर्वाद उद्धव साहब भी करेंगे और वो हमें जाने के बाद कहीं भी तो मेरे को मिलना मिलता है और मैं उद्धव सर जी से भी मिला हूँ और आगे चल के सोचेंगे हमारे बारे में तो अच्छी बात है, मैं तो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं छोटा एक झोपड़पट्टी से MMRDA के माध्यम से कोहिनूर सिटी में आया हुआ एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण कार्यकर्ता, साधारण शिवसैनिक, सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो शिवसैनिक का, वही मैं शिवसैनिक हूँ। सर मस्त है एकदम टकाटक बाल ठाकरे जिंदाबाद। नवाज की एक्टिंग की बात करो तो कैसा लग रहा है? नवाज भाई एकदम दिख तो एकदम बाल ठाकरे का एक्टिंग की है, एकदम पूरा करेक्ट फिल्म बनाया है अभिजीत पानसे ने, एकदम पूरा करेक्ट एकदम मस्त फिल्म बना। अभी तो मध्यंतर हुआ है और जितने हमने आधे तक देखे तो सुपर हिट और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और ऑब्वियसली नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो प्रकार एक्टिंग की है एकदम अत्यंत प्रतिम प्रकार की है, उसमें प्रतिमा हमारे बाला साहब दिख रहे हैं, हमें बहुत खुशी है कि हम इस एज में बाला साहब का हिस्ट्री जान चुके हैं।
और अमृता राव की एक्टिंग की बात करें, ऑब्वियसली उन्होंने माँ साहब का जो किरदार निभाया बहुत ही अच्छा था। इस मूवी से हिस्ट्री जान पाएगी जो ऑडियंस है? ऑब्वियसली इससे हमें जान सकते हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हमें किस तरह से रहना चाहिए और हमारे ऊपर जो अत्याचार चल रहे हैं तो उसके खिलाफ कैसे लड़ना चाहिए। पिक्चर चांगला है, एकदम मस्त है। नवाज की एक्टिंग किस तरह से लगी आपको? नवाज की एक्टिंग अच्छी लगी, एकदम फर्स्ट क्लास। और अमिता राव भी है? अमिता राव और ठाकरे के मिसेज का भी काम अच्छा लगा। आपके पिक्चर के लिए कितना एक्साइटमेंट लगा? हाँ, और जो आधा मध्यंतर हुआ है उसके आगे पिक्चर में कितना एक्साइटमेंट? फुल एक्साइटमेंट है, एक नंबर।